जय बिहारी जी की, श्री हरदास। जय बिहारी जी की, श्री हरदास। और सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को बधाई हो कि हमारी जो फैमिली है इंस्टाग्राम की वो 10K प्लस हो चुकी है, यानी 10,000 लोग हमारी फैमिली में जुड़ चुके हैं। और सभी भक्तों को बधाई हो इसके लिए। और मंदिर में जैसे कि आप शोर सुन ही रहे हैं, तो एक्चुअली मंदिर में काम चल रहा है। ये अभी फर्श का काम चल रहा है मंदिर में। जैसे ये शोर है, तो आप जब भक्त लोग दर्शन के लिए आएंगे तब ये फर्श जो है वो पूर्ण रूप से चेंज मिलेगा आपको। और पर्दे के पीछे बांके बिहारी जी हैं, बांके के पीछे। और ये दीप जल रहा है ठाकुर जी के, ये एक दीपक इधर है और एक दीपक इस साइड है, ये देख सकते हैं ठाकुर जी का। और ये दहलीज है ठाकुर जी की। कुंज बिहारी श्री हरदास। और अभी हम लोग लाइव आएंगे अपने फेसबुक ग्रुप से, और फिर हम लोग भ्रमण करने चलेंगे एक बार दर्शन के लिए पीछे। गिरिराज जी पर दर्शन करेंगे, गणेश जी पर दर्शन करेंगे, ऊपर स्वामी हरदास जी के दर्शन करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर बनिएगा। अभी हम लोग अराउंड 11:15 के अराउंड आएंगे लाइव, और भोग के पद भी सुने जाएंगे। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा फेसबुक ग्रुप पर। कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की। देख सकते हैं लिख रहा है श्री हरिदास। देखिए पर्दा हटा के तो हम दर्शन नहीं कराएंगे आपको, वो अगेंस्ट ऑफ रूल है, रूल के अगेंस्ट है, इसलिए आप यहाँ से जरूर कर सकते हैं। हाँ, काफ़ी लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था मिधुबन की परिक्रमा का, तो मैं आपको बता देता हूँ। 9 बजे जो है वहाँ पर लास्ट बंद हो जाता है, वहाँ पर आरती हो जाती है करीब करीब 7:30 से 8 के बीच में, कभी भी आरती हो जाती है, 7:45 या 8 के बीच में आरती हो जाती है। और उसके बाद हमने परिक्रमा लगाई थी, और उसके बाद 9 बजे तक वहाँ पर सारा बंद हो जाता है। तो 9 बजे से तो पहले हम परिक्रमा लगा के आ भी चुके थे वहाँ पर। जो जैसे कि भक्त गोस्वामीज रह जाते हैं हम लोग, जो सेवा वगैरह जब कंप्लीट करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब बिहारी जी में आरती हो जाती है तो भक्तों को धीरे 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 भक्त बाहर निकलते रहते हैं मंदिर से। तो ऐसे ही निधवन नदी है, तो निधवन नदी जब भक्त लोग बाहर निकलते हैं तो उसके बावजूद भी अंदर सेवा चलती रहती है ठाकुर जी की, जो कि शयन वगैरह कराना होता है प्रॉपर। तो उस टाइम पर चूँकि हमारे पास टाइम होता है थोड़ा, तो हमने परिक्रमा लगाई थी वहाँ पर, और परिक्रमा में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, वहाँ बहुत छोटी परिक्रमा है। हमने वहाँ डंडों की परिक्रमा भी दी हुई है, बहुत आनंद आता है परिक्रमा लगाने में। तो हम अब एक दिन बहुत जल्दी हम लोग वहाँ पर फिर से लाइव परिक्रमा रखेंगे, और उसका हम पहले से बता कर रखेंगे। तो वो हम रखेंगे थोड़ा सा जब रोशनी रहेगी, शाम के टाइम पर रखेंगे। बाकी परसों से मैं एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा ब्रेक पर जा रहा हूँ, तो आप लोगों से कुछ टाइम बाद मुलाकात होगी। और बहुत सारी नई नई हम चीज़ें और लेकर आ रहे हैं कि जो आप ठाकुर जी के बारे में जानना चाहेंगे, तो आपको हम ठाकुर जी के बारे में बहुत सी नई नई चीज़ें और बताएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बहुत सी चीज़ें हम आपको बगीचे में लेकर चलेंगे बिहारी जी के, हम आपको और भी जो बिहारी जी के और भी जो मंदिर हैं वहाँ लेकर चलेंगे, हम आपको बरसाने भी लेकर चलेंगे।
बड़ा आनंद आएगा। और भी ब्रिज में जो बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पर राधा कृष्ण की शादी हुई है वगैरह, सारी चीज़ों का वर्णन करेंगे और सारी चीज़ें आपको लेकर चलेंगे, वहाँ भी घूमेंगे हम लोग। तो आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़िएगा, बाकी हमारी इंस्टाग्राम फैमिली बहुत अच्छा हमारी इंस्टाग्राम फैमिली बनी है तो उसको हम बनाए रखेंगे, तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बुला, कुंज बिहारी श्री हरिदास जय। तो अब हम लोग मिलेंगे आपसे फिर से, मैं एक बार आपको मंदिर के और ठाकुर जी के इसके दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे फेसबुक ग्रुप पर, जय बिहारी जी की, श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास।